नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर बोले नरेंद्र मोदी, देश की 125 करोड़ जनता ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया त्रासदी, कहा एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। लालू यादव बोले नोटबंदी मोदी सरकार के अहंकार की संतुष्टि थी, इसने 150 लोगों की बलि ली। चिदम्बरम का सरकार पर बड़ा हमला, नोटबंदी से लोगों ने जान और नौकरी दोनों गंवाई। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्जन भर से ज्यादा वाहन भिड़े, 12 से ज्यादा लोग घायल। प्रदूषण के जहरीले स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में रविवार तक सभी स्कूलों और कक्षाओं को बंद करने का फैसला किया। पद्मावती विवाद पर उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय ने कहा, जिन घरों की स्त्रियां रोज शौहर बदलती हैं वे जौहर क्या जाने। डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, हमें कमतर आंकने की भूल न करे उत्तर कोरिया। रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड में आया नया मोड़, सीबीआई ने किया 11वीं के छात्र को गिरफ्तार, आरोपी के पिता ने सीबीआई कार्रवाई पर उठाया सवाल। मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता 5वां स्वर्ण पदक। विराट कोहली ने किया धोनी का बचाव, कहा लोग बेवजह एमएफ धोनी को निशाना बना रहे हैं। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।